बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एंड पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द ही जल्द मिल सके। तो सिस्टम हम एक सिस्टम लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एंड पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वॉल्यूम करते हैं ड्यू टू एंड पॉइंट चार्ज। तो कंसिडर हम एक सिस्टम लेते हैं, कंसीडर सिस्टम एंड पॉइंट चार्ज। एक सिस्टम लेते हैं, इसमें एंड पॉइंट चार्ज हैं जो कि हम मतलब Q1 Q2 Q3 अप टू Qn के जरिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये सिस्टम है, इसमें एन नंबर ऑफ चार्ज हैं, तो इस चार्ज को हमने Q1 Q2 अप टू Qn के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक आउटसाइड एक चार्ज लेते हैं जो कि हम इसको Q0 के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ये सिस्टम हो गया, मतलब एन पॉइंट चार्ज है और एक आउट साइड चार्ज है जो कि इसके दरमियान Q0 और Q1 के दरमियान R1 का सप्लाई है और Q2 Q0 के दरमियान R2, Q3 Q0 के दरमियान R3, इस तरह अब टू एन चार्ज है। तो मतलब Q0 एंड Qn के दरमियान जो पास में हम आते हैं, तो लेट आर कंसीडर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं तो हमारे साथ जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस तरह है, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसके लिए हमें फोर्स की जरूरत होगी, मतलब फॉर सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे। तो फोर्स बिटवीन Q0 एंड Q1 या Q1 एंड Q0 F1 के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε₀Q₁Q₀ डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, R1 का फैक्टर, इस तरह Q2 और Q0 के लिए F2 और Q3 Q0 के लिए F3, इस तरह Q0 या Qn Q0 के जरिए हम जो फोर्स हैं और Fn के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेट चार्ज, जो नेट फोर्स है इस चार्ज पर ड्यू टू ऑल चार्ज इन साइड द सिस्टम, वो हम इस तरह लिख सकते हैं F नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, क्योंकि मतलब n चार्ज है तो इस वजह से n तक जो फोर्स है वो इस पर लगे गए सिस्टम, मतलब n चार्ज है, n चार्ज की वजह से इस यूनिट चार्ज मतलब आउटसाइड जो चार्ज है Q0 इस पर फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स मतलब मुख्तलिफ फोर्स F1 है, F2 है, F3 है, अब टू Fn फोर्स इस पर लगते हैं, तो हमारे साथ जो नेट फोर्स है वो बराबर हो जाएगी F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। तो हमारे साथ क्यों है F1 किसके बराबर है, 1/4πε₀Q₀Q₁R₁R₁ प्लस 1/4πε₀Q₀Q₂R₂ स्क्वायर R₂ यूनिट वेक्टर, इस तरह Q3 के लिए R₂ क्यों है। तो अगर हम इसको देखें तो Q0 यहाँ पे कम हो सकता है 4πε₀, क्योंकि वो सब में कम है, जो टर्म है इसमें जो Q0 बाई 4πε₀ वो कम है, तो हम यहाँ पे वो कम निकालते हैं। यहाँ पे Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ले लिया, यहाँ पे मतलब Q0 4πε₀ कम हो गया, ये ले लिया, इस तरह हमने ये क्वेश्चन। इसके बाद अगर ये कम है सब में, हमने इस तरह लगाया इस तरह पहले इस क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पर हमने जो समेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि फॉर सिस्टम ऑफ इन चार्ज है Q1 Q2 Q3 इस तरह R1 R2 इसके लिए जो फासले हैं वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि R1 R2 R3 R4 इस तरह आप RN जो फासले हैं इसके दरमियान मुख्तलिफ हैं। तो अगर हम जो ऑल टर्म है अगर हम इसको समेशन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे सम फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम आई अप टू एन फॉर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल Qi डिवाइड बाय Ri स्क्वायर Ri यूनिट वेक्टर, अगर हम मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब I1 की जगह हम 1 पुट करेंगे तो Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर Ri यूनिट वेक्टर, अगर हम Q2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, अगर हम I3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म अप टू, अगर हम IN पुट करेंगे तो हमारे साथ N टर्म आ जाएगी। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है हम इस तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो आप नोट करो फिर हम मिटाते हैं, तो हम आगे जाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिस्टम आपने ग्रहण चार्ज, तो हम यहाँ मिटाएंगे।
तो कमाल साहब जो फार्मूला है रिलेटिव इंटेंसिटी का, ई फोर्स मतलब जो नट फोर्स लगता है डिवाइड बाय आर, हमारे साथ जो फोर्स है वो क्यों है किसके बराबर है, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एप्सिलॉन मतलब हम फ्री स्पेस कंसीडर करेंगे बिटवीन अ क्यू नॉट एंड सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, इसलिए हम एप्सिलॉन लगाते हैं, समेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एन क्यू आई डिवाइड बाई आर आई स्क्वायर आर आई यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई आर मतलब डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्यू नॉट है, यहाँ पे क्यू नॉट जो कैंसिल हो जाएगी, जो हमारे साथ रिलेटिव फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू आई डिवाइड बाई आर आई स्क्वायर आर आई यूनिटेड। हमारे साथ जो नेट रिजल्टेंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज ऑन द आउटसाइड चार्ज क्यू नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस सिस्टम का इस चार्ज पर, तो हमने मालूम कर दिया जो हमारे साथ जो नेट रिजल्टेंट है वो आज। तो आज इतना काफ़ी, इंशाल्लाह कल एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इस पर, तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाई स्टेप जाएंगे। थैंक यू मच। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 28.1। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कह रहा है कि प्रोटॉन स्पेस इन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्रोटॉन है हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे रखते हैं, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस ऑन द प्रोटॉन जस्ट बैलेंस टू इट वेट्स, कह रहा है कि यहाँ पर व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, कह रहा है कि जो फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर प्रोटॉन पर लगता है तो अगर इस प्रोटॉन के वेट को बैलेंस करे तो इसका पर इसका जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो कितना होगा, वो हमसे गिवन है कि वो मांग रहा है इनको कि कितना होगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्यू ई वो कह रहा है कि अगर वो बैलेंस करे इसके वेट को तो इस पर जो फोर्स लगता है और इसकी वजह से मतलब जो इंटेंसिटी है इस प्रोटॉन पर वो कितना होगा वो मांग रहा है। हमारे साथ जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हमें गिवन है 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम है, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मांग रहा है तो कितना होगा, तो हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है E=mq₀। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है प्रोटॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इसके वेट को बैलेंस करता है, तो अगर हम इसकी जगह एफ की जगह एम जी लगाएंगे क्योंकि जो फोर्स है क्यू ई वो एम जी के बराबर है, तो यहाँ पर ई आ जाएगी एफ एम जी डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो अगर यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे तो हमारे साथ जो रिजल्टेंट आ जाएगी वो इजिकल टू 9.8 × 10⁻¹⁸ N/kg। क्योंकि यहाँ पर जो कोई पोल्यूशन है मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी तो बहुत गलत इतना जगह नहीं, तो इसकी वजह से हमने डायरेक्ट सॉल्व किया ऑलरेडी, तो आप ट्राई करें इसे। और जो अदर प्रॉब्लम है 28.2 एग्जाम्पल है, तो गिवन हमारे साथ जो स्टेटमेंट है एटम विच वन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड, द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 26.5 picometer, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ न्यूक्लियस एट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि एक हीलियम न्यूक्लियस है एटम है, अगर इसको हम आयनाइज करें मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन हम इससे निकालें तो हमारे साथ जो इस पर जो चार्ज है वो 2e के बराबर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोटॉन है और इस एक प्रोटॉन का चार्ज e के बराबर है तो दो प्रोटॉन बाकी रह जाएगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगी तो इस पर चार्ज जो वो
3 के बराबर है। फिर आएंगे अगर यहाँ पे लिटा रखें जो कि इसके दरमियान जो फासला है वो 26.5 किलोमीटर है, तो इस बार जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस न्यूक्लियर हेलियम न्यूक्लियस की वजह से आ रहा रिटर्न कितना होगा। तो हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो चार हेलियम न्यूक्लियस जो कि किंग इजिकल टू 2e के बराबर है, तो 2 ई चार का इलेक्ट्रॉन है, चार प्रोटॉन और 6 का स्टेप पावर मल्टी 19 कूलम्स। हमारे साथ जो आ जाएगी जब हम इसको दो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 का स्टेप पावर मल्टी 19 कूलम आ जाएगी। और चार्ज आने इलेक्ट्रॉन का मतलब हमें क्यों है कि वे इसके बराबर हैं। डिस्टेंस जो कि 26.5 पिकोमीटर जो कि पिको बराबर है 10 पावर मंथी 12 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे मतलब आर इज इक्वल टू 26.5 प्लस 10 पावर मंथी 12 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है कि मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जो कि हमने अभी ड्राई कर दिया पहले लेक्चर में, ई इक्वल 1/4π0 q/r2। यहाँ पर जब मतलब q की जगह हम ये चार्ज लगाएंगे जो हीलियम न्यूक्लियस पर जो चार्ज है, और आर स्क्वायर की जगह हम अगर ये लगाएंगे जो फासला है इसके दरमियान हीलियम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान 26.5 × 10⁻¹⁰ m² होल स्क्वायर। तो हमारे साथ जब हम इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 आ जाएगी, और ये दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ जो नेट रिजल्ट है वो 4.13 × 10⁻¹² m². तो हमारे साथ जो नेट रिजल्ट है और इसी तरह रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज जो ई रेजिस्टेंस 26.5 पिको मीटर इज द रिक्वायर्ड फॉर दिस।